मुमरा के शंकर मंदिर परिसर में उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आए राम बालक दास महाराज भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बालक जी महाराज ने बताया है कि इन्हें शंकर मंदिर परिसर में अपमानित किया गया, यहां से जाने के लिए कहा गया है, मगर वो यहां पर यज्ञ करने वाले हैं और ट्रस्ट की तरफ से उन्हें मना किया जा रहा है। मगर यज्ञ करने की अनुमति अगर नहीं दी गई तो कल तालाब में जल समाधि ले लूंगा। भूख हड़ताल पर बैठे महाराज के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी शामिल है, मगर वहीं इस पूरे मामले में शंकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी कुछ बयान सामने आया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं बालक दास जी महाराज ने क्या कहा है। महाराज जी, आपका नाम क्या है और आप किस राज्य से आए? मैं श्री राम बालक दास जी महाराज, प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा दल से यूपी से, और प्रदेश महासचिव गौरक्षा हिंदू दल से हूँ। और मैं श्रीधाम अयोध्या जी से आया हूँ। मेरे 2-3 गौशालाएँ, बड़ी बड़ी ट्रस्ट भी चलते हैं, और मुझे श्री श्री 1008 श्री अनंत श्री विभूषित माधवाचार्य जी महाराज जी के आज्ञानुसार यहाँ पर भेजा गया था कि मोमरेश्वर महादेव मंदिर में यज्ञ करें। लालदास जी महाराज का शरीर पूरा हो गया था, यानी साकेतवास हो गए थे, वो पधार गए, तो उनका एक बेहद भंडारा और शिव शक्ति महायज्ञ के उद्देश्य से मोमरेश्वर महादेव मंदिर में मेरा आना होगा। तो यहाँ पर अभी आप जो है भूख हड़ताल आंदोलन कर रहे हैं, क्या हो गया यहाँ पर ऐसा आंदोलन? जब मैंने यज्ञ की परमिशन के लिए ट्रस्ट को भेजा, तो यहाँ ट्रस्ट हमेशा 7 आदमी का रजिस्टर्ड होता है, 7, 11, 9 का, 21 का ट्रस्ट चलता है। पर जब मुझे पता चला कि यहाँ ट्रस्ट में एक व्यक्ति विशेष ही, चाहे उसको कोषाध्यक्ष महामंत्री और चाहे सचिव कहें, एक ही व्यक्ति की ही चलती है, और जब मैंने उसके लिए निवेदन भेजा गया ट्रस्ट के संबंध में, तो उसने कह दिया यहाँ पे यज्ञ और कथा जैसी कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, इसका मैं विरोध करता हूँ। पुनः उसने कहा कि ये जो लेटर है ये गलत ठहराया गया, इसमें गलत दस्तखत है, मैंने स्वयं दस्तखत करके दिए। इसके पश्चात में जब हमने यहाँ मीटिंग ली, तो इनको और कई लोगों को कहा गया कि बिना अनुमति के मीटिंग तुमने कैसे ले ली। इसके पश्चात में हमसे भक्तों ने कहा, महाराज जी कल से आपको यहाँ पर सत्संग करना है, और सत्संग आप करेंगे, हम लोग सुनने आएंगे। काफ़ी भक्त लोग कल सुनने आए, तो यहाँ के 2-3 लड़कों ने उनसे अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए कहा कि सब लोग इस मंदिर से बाहर जाओ और यहाँ पर कोई सत्संग नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति यहाँ रुकेगा नहीं, और जो रुकेगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पश्चात में हमसे कहा गया कि तुम्हें 3 दिन हो गए, तुम भागो, नहीं तो तुम्हारा बोरी बिस्तर फेंक दिया जाएगा, और अगर रुकना है तो ट्रस्ट का परमिशन लो। साधु महात्माओं का स्थान, साधु महात्मा मंदिर पर रुकते हैं कि कहीं मस्जिद पर रुकने जाएंगे? मंदिर पर रुकेंगे ना। है, जब मैं यहाँ आया तो मुसलमान लोगों ने मुझसे जय श्री राम और कई लोगों ने बड़े प्रेम से भाव किया, तो मैं तो इससे अच्छा उन मुस्लिम भाइयों को अच्छा समझता हूँ कि जिन्होंने अभिवादन किया कि राम की नगरी से आए हैं। और जो व्यक्ति भगवान शंकर जी के नाम का खा रहा है, उसने फिर क्या कह दिया, यहाँ यज्ञ नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर शिव जी के मंदिर में दारू पीने वाले रुक सकते हैं, और कई लोगों के परिवार वाले रुक सकते हैं, उनके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और शिव जी के मूर्ति को तांबे के कवच से ढक दिया जाता है और उस पर दूध चढ़ता है। शिव जी की मूर्ति पर दूध चढ़ाना, उस पर तांबे के पात्र पर दूध चढ़ाना जहर के सदृश होता है, जहर के तुल्य होता है। क्या वो दूध, क्या वो हीरालाल गुप्ता पी सकता है तांबे के पात्र में रख के? नहीं पी सकता है। पर वो शंकर जी पे हमेशा कवच चढ़ा रहता, क्यों? क्योंकि शंकर जी की मूर्ति तोड़ दी गई है, खंडित है। उस मूर्ति को किससे घिसा जाता है? उसको जिससे जंगल साफ की जाती है, उससे रेतमाल से उस मूर्ति को घिसा गया, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है। इसके पश्चात में उस मूर्ति में सीमेंट लगा दिया गया। क्या वो परमिशन ली थी 4 आदमियों से बैठ के? उस पर उसने क्या चर्चा की थी? वो स्वयं अकेला निर्णय लेता है, अकेले का ट्रस्ट नहीं होता है। ऐसे ट्रस्ट का, ऐसे अकेले व्यक्ति का मैं बहिष्कार करता हूँ। और चांदी का जो कवच था, वो चांदी का कवच का पता नहीं कहाँ गया, वो चांदी का कवच वो रहना चाहिए। आप आंदोलन पे बैठे, अगर आपको यज्ञ नहीं करने दिया जाता है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? अगर मेरे यज्ञ नहीं किया जाता है और यहाँ के बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग आए
और मिलकर यज्ञ कराए। और अगर एक व्यक्ति विशेष के नाम पे मैं या तो कल 10 बजे यहाँ जल समाधि ले लूँगा या आत्मदाह कर लूँगा हीरालाल गुप्ता के नाम पे, क्योंकि मेरा कल अपमान होगा, मैं अपना अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। वहीं शंकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हीरालाल गुप्ता ने बताया है कि महंत कहाँ से आए हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने अभी तक कोई अपनी आईडी प्रूफ भी नहीं दिया है। ट्रस्ट के नियम अनुसार कोई भी साधु संत अगर मंदिर परिसर में आता है तो उसे 3 दिनों तक मंदिर की तरफ से उनकी सेवा की जाती है। इसी तरह इनकी भी सेवा किया गया है। 3 दिन गुजर जाने के बाद महाराज मंदिर में यज्ञ करने की बात करने लगे तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मना कर दिया गया। और अगर ये इसी तरह से मंदिर परिसर में आंदोलन करेंगे तो पुलिस में इनकी शिकायत करनी पड़ेगी। शंकर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से हीरालाल गुप्ता ने क्या कुछ बताया है आपको सुनाते हैं। गुप्ता जी, शंकर मंदिर पर एक साधु महंत आए हैं, वो दरअसल वहाँ पर भूख हड़ताल कर रहे थे और वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप मंदिर परिसर से उन्हें भगा रहे हैं, उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुम्बरेश्वर शंकर मंदिर मुम्बरा में स्थित है और उसका एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसको अप्रॉक्सीमेटली 35-40 साल हो गए। 1987 से पहले उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसमें तब से मैं ट्रस्टी हूँ। तो अभी हमने एक ऐसा रूल बनाया था बैठ कर के आपस में ट्रस्टी लोगों ने कि कोई भी साधु संत आते हैं, कोई भूखा प्यासा आता है, कोई फकीर आता है, तो उसको 3 दिन तक हम लोग ये मंदिर प्रशासन की तरफ से फ्री में सारी सुविधाएँ देंगे उसको, भोजन पानी रहने का जो भी है। और 3 दिन के लिए हम 3 दिन के बाद में हम उससे प्रार्थना करेंगे कि भाई अब आप जाइए और दूसरी जगह व्यवस्था करें। तो ये जो साधु आए हैं इनको मैं पहचानता नहीं, और जितने भी साधु आते हैं मैं सबको नहीं पहचानता हूँ। मैं सिर्फ सोमवार के दिन आजकल वहाँ पर जा रहा हूँ, तो ये कब आए हैं ये भी मुझे मालूम नहीं है, मेरी इनसे अभी मुलाकात भी नहीं हुई है। लेकिन रूल तो सबके लिए रूल है ट्रस्ट का, तो इनको 3 दिन के बाद में इनसे कह दिया गया है आज कि बाबा आप 3 दिन हो गए हैं, अगर अब आपको और भी एक्सटेंशन चाहिए तो ट्रस्ट के ऑफिस में आप अर्जी कर दीजिए, जिससे कि हम सहानुभूतिपूर्वक उसके ऊपर विचार कर सकें कि आपको आगे ठहरने के लिए एक्सटेंशन दिया जाए या नहीं। लेकिन इसमें जो साधु आए हुए उनके साथ में बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कई लोग हैं, उसी के साथ साथ मंदिर परिसर के आजूबाजू के लोग भी उनके साथ हैं, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं क्योंकि वहाँ के लोग उनके साथ। देखिए, मुझे इसमें एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स नज़र आ रही है। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और कल मेरे पास विश्व हिंदू परिषद के मिस्टर तिवारी का भी फ़ोन आया था और एक बीजेपी के श्री कुणाल पाटिल ने उनका भी कल फ़ोन आया था। मैंने उनको मिलने का समय दिया है कल 7 बजे और उनको भी सारी वस्तु स्थिति बता दी है। सारे लोग जानते हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन मेन हकीकत ये है कि ये जो साधु आए हैं ये उस मंदिर के जबरदस्ती से महंत बनना चाहते हैं, जिसको हमारी एक बिना प्रोसेस के हम लोग किसी को भी नए साधु को जिसका नाम पता भी मालूम नहीं हमको, उसको हम महंत नहीं बन सकते। 3-4 दिन से वो है, उनका कहना है कि जो है काफ़ी उन्हें यहाँ पर अपमानित किया गया है, अगर बोले कि अगर उन्हें यज्ञ नहीं करने दिया गया तो वो कल जल समाधि ले लेंगे। देखिए, अगर इस तरीके से कोई भी हमको धमकी देता है तो हम धमकी में आते नहीं हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर लूँगा, अनशन पर बैठ जाऊँगा, भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगा। तो यहाँ तो रोज़ 2-4-5 साधु आते रहते थे और अभी भी आते रहते हैं, कभी कभी तो 50-50 साधु आते हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, जो हमारे ट्रस्ट का जो नियम है उनको हम लोग भोजन पानी रहने की व्यवस्था करते हैं, और फिर उसके बाद में उनको विदाई का जो दक्षिणा होता है वो दे करके उनको नमस्कार पांव छू करके उनको विदा करते हैं। तो अभी ये जो साधु महंत बैठे हुए हैं अयोध्या से आए, तो ये तो फिलहाल जो है भूख हड़ताल पर है। ये भूख हड़ताल इसीलिए है कि वो बोल रहे हैं हमको 3 दिन से ज़्यादा, लेकिन हम अर्जी नहीं करेंगे और हम नहीं करेंगे। अभी कुछ लेटर भी दिया है उन्होंने, जो लेटर दिया है उसमें बड़े आश्चर्यजनक लेटर और दिया है अभी। अच्छा, पहले उन्होंने कल जो मुझे लेटर आंदोलन पर बैठे इसका लेटर दिया, कल मेरे पास एक लेटर दिया था मेरे ऑफिस से, जो परसों इन्होंने उनको दिया था, उस लेटर के अंदर ऐसा एक श्री माधव दास जी महाराज इनका लेटर हेड है, जो मलाड में उनका मुख्यालय है, और उस लेटर हेड का इन्होंने कलर जेरोक्स निकाल के और खुद से साइन किया है, मराठी में लेटर लिखा हुआ है उसमें, जिसमें उन्होंने यज्ञ के बारे में कुछ लिखा।
लेकिन मैंने उस लेटर को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि उस लेटर के अंदर जिसका ऊपर नाम है श्री माधवदास जी महाराज, उनके साइन नहीं थे। उनको कहा है कि जिसका लेटर एड है उसके आप साइन करा करके लाए। इसके लिए आपने कोई कंफर्मेशन किया मालान के मठ? नहीं, उसमें कुछ मुझे फ़ोन नंबर वगैरह मुझे वहाँ का मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनसे विनम्र प्रार्थना की है कि आप इसके ऊपर ये फोटो साइन करके किसी भी तरीके की एप्लीकेशन ना किया। तो अभी जिस तरह से पूरा मामला है इसमें लेकर क्या पुलिस वगैरह में कुछ शिकायत वगैरह की है या जाने वाले? देखिए, हम डेफिनेटली अगर ये नहीं, यहाँ पर जो इस तरीके का माहौल इन्होंने बेवजह और लोगों को टेंशन में लाने के लिए जो इन्होंने जारी किया है भूख हड़ताल वगैरह, डेफिनेटली हम पुलिस में अप्रोच करेंगे। लेकिन ये इसमें सच्चाई बस इतनी है कि इनको मंदिर से हटना नहीं है और ये इस मंदिर के महंत बनना चाहते हैं। आज से 3 साल पहले तक ये मंदिर बहुत ही टूटी फूटी खंडहर अवस्था में था, उसको हमने सुधारा है काफ़ी प्रयत्नों से और अब ये जो सुंदर दिखने लगा तो कुछ लोगों की इसके ऊपर नज़र आ गई है और उसमें से ये साधु महाराज हैं और ये बोलते हैं कि मैं ही यहाँ पर महंत बनूँगा, यहाँ गद्दी खाली है। तो ऐसा नहीं होता है, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, हमारे लीगल कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारी प्रोसेस होती है, वो पूरा किए बिना हम किसी को भी मेहनत नियुक्त तो नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल कि आप उनको यज्ञ करने के लिए परमिशन अगले महीने के लिए देने वाले हैं कि नहीं देने? देखिए, 9 तारीख से 15 तारीख तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरे जो नातू है उसका मुंडन संस्कार है इसलिए मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो उस दरमियान में ये परमिशन मांग रहे हैं। अब फिर उसके बाद में 18 तारीख को हमारी महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि से पहले अगर ये इस तरीके का ये इन्होंने कुछ बोला है तो 17-18 तक संभालेंगे, तो ये सब व्यवस्था कौन करेगा? इसका जो पैसा जमा करेंगे ये मुंब्रा की पब्लिक से ही जमा करेंगे। पिछली बार 20 साल पहले हमने जो यज्ञ किया था उसमें करीब 25-30 लाख रुपए खर्च हुए थे, तो इनका भी ऐसा ही आइडिया था। अब आज की तारीख में अगर उस प्रकार का ये यज्ञ करना चाहते हैं तो उसमें 1 करोड़ रुपये से कमती नहीं लगेगा और ये 1 करोड़ रुपया ये संभालने की जवाबदारी मुझे कोई इसमें जवाबदार आदमी नहीं दिख रहा है, इनके साथ वाला या तो ये बाबा। अगर वो पैसा ये लेकर के कहीं चले जाते हैं तो हम इन बाबा को कहाँ ढूंढेंगे? इन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड भी नहीं दिखाया, इनका पता भी हमारे पास नहीं है, इनका नाम भी हमको ठीक ढंग से मालूम नहीं है, इनका रखा हुआ नाम है बालकदास जी। तो इस तरीके के हम कैसे परमिशन दे सकते हैं जब तक कि हमें विश्वास न हो जाए कि मंदिर के नाम से पैसा जमा करने वाले हैं और वो पैसा सुरक्षित हाथों में है।